पहले कस्टमर है हमारे, बड़े सम्मानीय कस्टमर हैं, इन्होंने हमको रेफरेंस भी दिए। राजेंद्र गिरी जो है डाबला गांव के हैं, उनको भी हमने गाड़ी दी। 407 पिकअप मैंने पहली बार लिया था, मैं नई नई गाड़ी ली थी, तो गाड़ी तो बढ़िया है भी है, अच्छी भी है, लोड में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। 4 टन बड़ो और 4 से कम बड़ो भी बार की एवरेज तो मिलती है। ये महीने में अंदाजे 13 से 15 हज़ार नहीं, कम से कम कोई पेनल्टी नहीं लगती इसमें। 407 लगती है, इसीलिए कोई पेनल्टी लगती नहीं सर। सामान्य लोड में तो अच्छा, कुछ भी साग भाजी होती है और मार्केट में से कोई गेहूँ है, कपास है, एरंडा है। विसनगर में एक कस्टमर मिला मेरे को पूछा कि गाड़ी कैसी रहती है, तो मैंने बोला कि 407 पिकअप ये गाड़ी बढ़िया में बढ़िया, 407 करता बढ़िया, अच्छी लोडिंग में रहती है, एवरेज में भी ज़्यादा रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई पुलिस वाली कोई तकलीफ नहीं, कोई टेंशन बिना लेना है तो ये पिकअप गाड़ी लेना 407। अम्बालाल जिठेदास पटेल। पहले इनके पास 407 थी, फिर उसके बाद 207 पिकअप थी, अभी इन्होंने 407 पिकअप खरीदी, यानी रेगुलर टाटा के कस्टमर। 407 फर्स्ट नंबर मूव पेलो नंबर 407। हमारा टाटा गाड़ी 25 वर्ष थी वापरी है, हमने गाड़ी सारी जो है सब। हमारा टाटा कंपनी गाड़ी में खर्चो ओछो छे, आवक वधार छे। सबसे ज्यादा इस गाड़ी में आपको क्या चीज पसंद आया है? सबसे ज्यादा इसके माइलेज। कितना माइलेज मिल रहा है? माइलेज 11-12। आप इसमें कितना टन भरते हैं गाड़ी में? मैंने 3 टन 3.5 टन भरा, ओनली वेजिटेबल। कहाँ से कहाँ तक जाती है? यहाँ कुकवाड़ा से अहमदाबाद। कितना किलोमीटर पड़ जाता है? 75। इस रास्ते में जब आप 3.5 टन लोड करते हैं तो थोड़ा ओवरलोड हो जाता है, तो कभी पुलिस नाकों में या चुंगियों में आपको कभी तकलीफ पहुँची है? कोई तकलीफ मेरे को नहीं पहुँची। सब्जी में क्या होता है, उसका टन वजन का बैठा लोड होता है। आपका अनुभव कैसा रहा है इस गाड़ी के साथ? अनुभव में तो ये गाड़ी मेरे को साग भाजी में तो बहुत अच्छी लगी। मैं सलाह आपको यही दूंगा कि पिकअप ही रहेगी, जो वो महिंद्रा डाला है उससे ज़्यादा तो बहुत अच्छा ही है। वो क्या है, ये टाटा कंपनी, टाटा पर विश्वास करते हैं। मेरा नाम राजकुमार पटेल है। गाड़ी टाटा कंपनी ने ये पिकअप गाड़ी है ना, ये निजी कंपनी की गाड़ियों करता एक तो जगह स्पेस मोटी मिल सके। धारक एनो देखा 407 जो है, एट आप धारक कोई पण ट्रांसपोर्टेशन माल करवो हो तो माल वधार एम आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकी। गाड़ी कंपनी में आपने माइलेज पण वधार आवे, एवरेज में ज्यादा मिलता है, डीजल कम है। गाड़ी खरीदने से पहले आप किसी दूसरे से गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन करवाते, तब कितना खर्चा होता था और अब खर्चे में कितनी आपकी कमी हुई? महीने में 5-6 हज़ार का फायदा होता है। 5-6 हज़ार आपको इस गाड़ी में कोई कमी लगती है? कोई कमी नहीं है, लेने हो तो 407 पिकअप टाटा। મારું નામ પટેલ ચંદુલાલ ચતુર્દાસ છે, હું મરતોલીનો રહેવાસી છું, વ્યવસાય દૂધનો છે. મેં ટાટા મોટર્સમાંથી 407 પિકઅપ ખરીદેલું છે, જે વાપરવામાં મને અનુકૂળ આવ્યું છે. આપકો ઇસ ગાડી કે ઓપરેશન સબસે અચ્છા ચીઝ ક્યા લગા હૈ? કોઈ તકલીફ તો હૈ નહીં. ઓર અભી ક્યા માઇલેજ મિલ રહી હૈ આપકો? માઇલેજ યે કિસ રૂટ પે ચલતી હૈ સર આપકી ગાડી? મહેસાણા સે મરતોલી. કિતના રૂટ ડાલતે હૈ? 1300 લિટર દૂધ લે જાતે. આપકો એક મહિને મેં યે ગાડી કિતના મુનાફા દે દેતી હૈ? મહિને મેં 5000 રૂપિયા બસ. હું ઠાકોર રમજી પ્રતાપજી મરતોલી ગામનો રહેવાસી છું. સારી ગાડી છે, પિકઅપ અમે અચ્છી છે, ચલાને મેં ભી અચ્છી છે. કોઈને ગાડી જોતી હોય તો અમે 407 પિકઅપ જ લેવાય. મેરા નામ યશવંતભાઈ ચૌધરી હૈ, મેં યહાં 30 સાલ સે મતલબ યે આઈસ ફેક્ટરી કા મેરા બિઝનેસ હૈ. જબ ફાધર મેરે ચલાતે થે
मेरे पास 6400 है, पिकअप अभी लिया है पहली बार, माइलेज वाइलेज बरोबर है, गाड़ी भी कंफर्टेबल है। मैंने ड्राइवर को पूछा अभी तो ड्राइवर ने बताया कि भाई ये प्रॉब्लम है नहीं, गाड़ी बरोबर है, गली में भी चली जाती है और लोडिंग में भी अच्छी है, तो अभी 2 टन तो हम लोग भरते है, अभी सेटिस्फाइड है, कोई प्रॉब्लम टाटा की गाड़ी में नहीं है। उसका मेंटेनेंस कम आता है और एवरेज भी अच्छी आती है, हम लोग 3 टन तक भरते है, तो भी गाड़ी को कोई मतलब दबती है या ऐसा कोई प्रॉब्लम रहता नहीं, एकदम फ्री चलती है, 16 घंटा चलती है। भाई ये महिंद्रा से टाटा अच्छी है, इधर आते हैं दूध वाले लोग आते हैं, हम लोग उसको पूछते हैं कि भाई ये अच्छी रहती है कि वो अच्छी रहती है, तो उनका वो प्रॉब्लम बताया था कि भाई इससे तो टाटा की गाड़ी अच्छी, और आपने ये भी अच्छा किया भाई महिंद्रा के सामने ये पिकअप निकाली, अगर आपने नहीं निकाले तो मैं महिंद्रा लेने वाला ही था, क्योंकि मेरे को 2 टन की कैपेसिटी की गाड़ी चाहिए थी। पहले पूछा भी था एक महिंद्रा वाले को, तो उसने बोला था कि भाई ये इतनी प्राइस है, इतनी माइलेज देती है, अच्छा हुआ भी आपने निकाला तो मेरा भी काम होगा, माइलेज भी अच्छी देती है, चलती भी अच्छी है। हमारे ग्रुप में किसी को अगर मेरे को मालूम पड़ा तो मैं उसको पहला रेफरेंस पिकअप का दूंगा कि भाई पहले आप पहले पिकअप लेके देख लो, मैंने लिया है और चलने में अच्छी गाड़ी है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटा रनिंग में भी कर सकते हैं, बोलिंग में भी अच्छी गाड़ी है, बुलेट चलती है। पिकअप कैसा है गाड़ी का? 15 में पिकअप है, अच्छी है। नाम मुकेश भाई हसमुखलाल शाह, ऋषभ कार्गो चलता है। मैं 2002 से आया, ब्लू डार्ट से मेरा काम स्टार्ट हुआ, ब्लू डार्ट में काम में डेक्कन 360 नया स्टार्ट हुआ, इस पर भी काम चल रहा है। कब इसलिए लिया सब, डेक्कन कार्गो नया स्टार्ट हुआ है, इनका 2 टन रोड रहता है, सूरत से बॉम्बे चल रहा है, डेली सर्विस चल रहा है, मेरा मंथली में 26 डेज चलता है, पर डे ट्रिप है मेरा। इसमें 407 का बॉडी है, आगे का लुक 407 का है, लेकिन कोई बॉडी जब तक कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं हमको। पिकअप में से महिंद्रा से अच्छी है, इसमें क्या सबसे पहले तो हाइट है इसका, और क्या पीछे लोडिंग इतना अच्छा स्पेस दिया है कि हमारा क्या वॉल्यूम का काम है ज्यादा, इसलिए वो सबसे बढ़िया गाड़ी। इसमें जाएगा ऐसे 2.5 टन के ऊपर जाएगा, मेरा इसका रेंट है 5200 रेट है, कितना भी जो लगा होगा 2500 खर्चा बैठता है, सब आ गया इसमें, चेक पोस्ट आ गया, टोल टैक्स आ गया, डीजल ड्राइवर सैलरी सब आ गया, मेरा पर डे 2200 बचेगा, मेरे हिसाब से 50 के ऊपर बचत होगा, 100% होगा। किसी मेरे दोस्त या मेरे ग्रुप में लेंगे पिकअप या कोई गाड़ी तो यही गाड़ी ले, 407 टाटा पिकअप ही ले, यही लेनी चाहिए, लोड के लिए है, गाड़ी भी अभी बहुत मजबूत है, पिकअप भी अच्छा है, कार जैसे गाड़ी बनाया है, ऐसा बनाया आपने, इतना बढ़िया गाड़ी बनाया है, तो आपकी गिनती करो से 250 के आसपास जानी चाहिए। हाँ मेरा भी लेना, अभी मेरा डेकना बात चल रही है, अभी 4-5 गाड़ी और लगेगी मेरी, पिकअप लेंगे मैं, महिंद्रा भी मेरा आया था लेने, आप फील होगा गाड़ी 100% की गाड़ी इन तरह। नाम जितेंद्र देव जी भाई खोना है, एकता कार्गो मूवर शाम से कंपनी चलाता हूँ 16 साल से, ट्रांसपोर्ट बिजनेस में मैं करीबन 40 साल, गाड़ी में हर तरह से हमको सुविधा अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। क्या लोडिंग करते हैं गाड़ी में? इसमें प्लास्टिक रिन्यूअल करते हैं, जो 25 किलो की बैग आती है, 3-3.5 उत्तर गुजरात में मेहसाणा विसनगर चतराल सांतेज साणंद अहमदाबाद की जीआईडी वटवा वडव नरोड़ा, मेरे हिसाब से खर्चा जो भी है वो निकाल के 15,000 कमा सकता है। अभी तक तो मेंटेनेंस कुछ आया नहीं, माइलेज करीबन 11 के आसपास अभी दे रही है। महिंद्रा पिकअप है या दूसरी जो भी कंपनियां की पिकअप है उससे तो बहुत बढ़िया ही है, पिकअप लेना है तो टाटा का ले, कोई दिक्कत नहीं हमको, महिंद्रा वाले दूसरे सब कंपनी वाले भी आए थे, हमने तो मना किया नहीं भाई। गोपाल सामंत परिवार द्वारकाधीश रोडवेज कटवा अहमदाबाद। कितने सालों से? 3-4 साल से। अभी कितनी गाड़ियाँ? 5 गाड़ी। ये पिकअप आपने कब लिया? पिकअप तो 3-4 महीने हुआ। क्या लोडिंग कर रहे हैं इसमें? अभी ट्रांसपोर्ट में चल रहा है। कौन सी रूट पे चलती है? ये राजकोट साइड। कितना किलोमीटर एक दिन में कवर कर लेती है? 500 किलोमीटर जाके चल जाती है। अभी 3 टन वजन भरता हूँ, 13-14 का आता है, मेरा हफ्ता हफ्ता भर के 10,000 रुपया बचता है। बहुत बढ़िया ही है ना गाड़ी, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अभी मेरे पास मैक्स भी है बरोबर, मगर वो बड़ी मैक्स है, अच्छी है, पिकअप अच्छा रहता है, उसका वजन भी 2-4 टन ज़्यादा हुआ तो भी चलता है, वो मैक्स पिकअप में नहीं चलता है, और एवरेज भी इतना ही देता है मैक्स, गाड़ी दब जाती है। जिसके पास मैक्स है वो ज़्यादा कमाएगा, जिसके पास 400 नहीं, 400 में अच्छा रहेगा। दोस्त गाड़ी लेने का बोलेगा तो मैं उसको जरूर बोलूँगा कि भाई ले ले अच्छी गाड़ी। મારું નામ દશરથ ભાઈ ભીખાભાઈ પટેલ, છેલ્લા 35 વર્ષથી દૂધનો ધંધો જ કરું છું, 407 આવી સારી છે એટલે મેં 407 આપણે પિકઅપ સારી છે એટલે બોલેરો ગાડી જે પેલી હતી મહિન્દ્રાની એ વેચી મારી આજ ગાડી કરી હતી। ગાડીઓમાં કોઈ તકલીફ થતી નહીં, દૂધમાં ગાડી સારી ચાલે છે। કોણ સે રૂટ પર ચલતી આપણી ગાડી? દેગામ રોડ પર।
कितना गेन आवे गाड़ी 45 कह रहा हूं 110 मन वजन चलाने में कैसा लगता है गाड़ी कोई तकलीफ नहीं होती गाड़ी अच्छी चलती है महिंद्रा में तकलीफ से है जॉइंट नहीं तकलीफ हो यानी पाटा नहीं तकलीफ हो हमारा एना का तो आ बधु थोड़ी हेवी आवानो के पाटा नहीं कोई तकलीफ नहीं होती गमे तो रस्तो खराब हो तो 407 पिकअप गाड़ी जा सके दूध ना कोई पण व्यापारी होय એમને પણ મારી આ જ સલાહ છે કે ટાટા 407 પિકઅપ ગાડી સારી ચાલે છે એ જ ખરીદવી